एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एनडीए सेकंड के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन आप कैसे करें, उस समय फॉर्म भी नहीं आया हुआ था, 7 अगस्त से लोक सेवा आयोग का फॉर्म आ चुका है एनडीए के लिए, जिसमें 415 रिक्तियां आई हैं, सीट्स हैं अवेलेबल, 370 फॉर एनडीए, एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी कम्बाइंड, एंड 45 वैकेंसीज फॉर नेवल एकेडमी एन, तो टोटल 415 सीट के लिए यूपीएससी ने लोक सेवा आयोग ने फॉर्म मंगवाए हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा, जिसकी डेट है, तिथि जो है वो 7 अगस्त 2019 से 3 सितंबर 2019 शाम 6 बजे तक। इसमें सबसे पहले बात करें कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास बच्चे जिनकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 तक, मतलब अगर उम्र की बात करें तो 15.5 से 18.5 साल तक के उम्र के बच्चे, जिन 15.5 से ज्यादा हो और 18.5 से कम हो, इस उम्र तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आप 12वीं पास हों, 12th पास हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम हो, आप साइंस से आपने 12वीं पास किया है, आर्ट से आपने 12वीं पास किया है, या कॉमर्स से 12वीं आपने पास किया है, हर स्ट्रीम के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपकी चॉइस एयरफोर्स और नेवी है तो 12वीं में आपके फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, और अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और या तो फिर आप 12वीं कक्षा में हो, 12th का इस बार एग्जाम 2020 में आपको एग्जाम देना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आप दे रहे हो, तो पेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि इसकी जो है वो 17 नवंबर 2019 को है, 2 परीक्षाएं होंगी इसमें, 2 पेपर होते हैं, प्रथम पेपर मैथ्स का होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स विद निगेटिव मार्किंग, लेकिन अगर आप माइनस करते हो, अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। अगर आपने मार्कशीट पर फिलअप नहीं किया है, डार्क नहीं किया है सर्किल को, तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सही किया है आपने तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो 0.833 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। ये टोटल 120 क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का आपका होगा। फिर सेकेंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन को अगर बाइफर्केट किया जाए तो 50 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चंस आपका जनरल साइंस से पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब आता है आपका।